चैनल सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो हमारी यहाँ तैयारी है। हम एक्चुअली आज जा रहे हैं डाउनटाउन। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली से आया हुआ है पीआर पे। सो हम आई थिंक काफी सालों बाद, लाइक 8-9 सालों बाद मिल रहे हैं। मेरी बेबी रेडी हो रही है यहाँ पे। सो हम एक्चुअली जा रहे हैं डाउनटाउन में, कौन सा है ना, यस बनारस। एक नया रेस्टोरेंट जो खुला हुआ है, आई थिंक ये 7-8 महीने पहले ही खुला। सो हम वहाँ जा रहे हैं। गूगल पे काफी अच्छे रिव्यूज है उसके। So, let's go. अभी हम पहुंच तो गए हैं डाउनटाउन, लेकिन इतना ट्रैफिक है क्योंकि आज वीकेंड भी है। सो आई थिंक 20 से 25 मिनट लग जाएंगे पार्किंग स्पॉट ढूंढने में ही यहाँ पे। सो गाइज, एट लास्ट पार्किंग तो मिल गई है। पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। लगभग मैं $10 पे कर रहा हूँ, लगभग 500-600 रुपये इंडिया के हिसाब से। पर एक अच्छी बात है, रात के 12 बजे तक यहीं पे है। वेदर काफ़ी अच्छा है, बेबी यहाँ साथ में ही है। ये कॉफी शॉप है ऑन द बॉल। कोशिश कर रहे हैं ये है कहाँ पे। ये इस साइड दिखा रहा है, ऐसे जाके सीधे, ठीक है। All I need.
प्यारे प्यारे डॉग हैं। मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है उनकी वीडियो बनाने में, कि जो उनके साथ उनके ऑनर्स जो हैं, मे बी उनको बुरा लग सकता है, लेकिन इतने प्यारे प्यारे डॉग भी हैं ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा उनको देख के। सो गाइस, अभी हम रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहे हैं, वो TTC से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी। सो 7 बजे के टेबल की बुकिंग है, सो ऑलमोस्ट 7 बज ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो हम अभी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे और आपको वहाँ का माहौल दिखाएंगे। तो हम लोगों ने जो टेबल बुक किया है, रेस्टोरेंट का नाम है बनारस, हम लोग पहली बार जा रहे हैं खुद। एंड बनारस से मुझे याद आता है, मेरी दो सिस्टर्स हैं, उनकी शादी बनारस में हुई है, दोनों रियल सिस्टर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, और एक ही फैमिली में उन दोनों की शादी हुई है। हाउ लकी ना। तो बस अभी आप लोगों को अंदर लेके जाएंगे और अंदर के वाइब्स दिखाएंगे कि कनाडा का बनारस कैसा है। ये हम लोग एंटर कर रहे हैं बनारस में। सो वॉशरूम को भी क्वाइट इंडियन मुगल जैसा कुछ लुक दिया है, जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। नाइस नाइस। गाइस, हम लोग अंदर आ गए हैं, सेटल हो गए हैं हम लोग। एंड ऐश्वर्या जो आने वाले हैं, उनका नाम ऐश्वर्या है ना, वो लोग 7-8 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तब तक हम लोग देखते हैं मेन्यू में क्या है, डिसाइड करते हैं, लेट्स सी। काफ़ी अच्छा माहौल है, एकदम इंडियन देसी एंड मुगलई, जो एरा मुगल एरा जो है वैसा टाइप का कुछ है, बहुत ही प्रिटी है। मैंने आपको अंदर वॉशरूम तो दिखाया है, अब मैं थोड़ा बाहर से भी आपको दिखाती हूँ। भूख लगी है, वो लोग आए नहीं अभी तक। मैंने अब बाहर उन लोगों को लेने लिया है, फाइनली वो लोग आ गए हैं। सो गाइस, हमारा बनारस में खाना आना सब हो गया है, वहाँ पे वीडियो बनाने का मौका ही और गप्पे मारने में हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हमें व्लॉगिंग का याद ही नहीं आया कि हमें व्लॉगिंग भी करनी है। सो हम वहाँ पे उनको ड्रॉप करके नॉर्थ यॉर्क में फिर वापस डाउनटाउन आ गए, सोचा यहाँ पे माहौल का हम आनंद लेते हैं, सो चलिए चलते हैं। तो हे गाइस, यार इतना मजा आया, बनारस का खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। एंड हम लोग बातें करने में उन लोगों के साथ इतना बिजी हो गए थे ना, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गया है। हम लोग व्लॉगिंग बिल्कुल भूल गए थे कि हम लोगों को वीडियो भी बनाना है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आया हम लोगों को उन लोगों के साथ। आपको क्या कहना है? हाँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अभी तो बस वॉक कर रहे हैं, नाइट लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उन लोगों को ड्रॉप कर दिया है एंड हम लोग डाउनटाउन का रात का मज़ा लेने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पार्किंग तो पे कर रखी है सुबह तक की,
तो सोचा चलो घूम लेते हैं यहाँ पे, तो आपको भी दिखाते हैं, जो हम देखेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। You've heard it all before, honest but I know, Left these years ago, I was young and I'm old, still can't fill the void, We don't need the past in our lives for tomorrow, never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love, what do we do to love, what do we do to love, when everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. बहुत मज़ा आ रहा है, लोग फुल वीकेंड मोड पे हैं। हम्म,